नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के कलेक्टरेट गेट के सामने और यहां पे लोग चाय पी रहे हैं और चाय के साथ लोग चुस्की भी ले रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। लगातार 6-7 दिनों से जिस तरह से सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया है बाबा बागेश्वर वाले संत के बारे में आ रहा है, दो धारा जो है बट गई है और एक तरफ से हिंदू सनातन धर्म के बात पर लगातार जिस तरह से बाबा बागेश्वर धाम की खबरें की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर बनी हुई है और लगातार लोग सोशल मीडिया के जरिए बाबा बागेश्वर धाम के संत पर लोग कमेंट कर रहे हैं और लगातार लोग इनके विरोध में भी खड़े हो रहे हैं और कुछ लोग इनके समर्थक में भी लोग खड़े हैं। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम अरविंद कुमार ओझा पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए लगातार 6-7 दिनों से जिस तरह से बाबा बागेश्वर धाम के संत के बारे में सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे काफी सुर्खियां बनी हुई है और इस समय सबसे बड़ा न्यूज बना हुआ है ये और हर चैनल के द्वारा इस न्यूज को दिखाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हम बागेश्वर धाम सरकार की पहले जय करते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का समर्थन करते हैं और यही कहेंगे कि हम जितने भी सनातनी हैं अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पक्ष में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए और इससे अधिक क्या कहेंगे। तो सब देखने को मिल रहा है हम लोगों को सोशल मीडिया पे उनका चमत्कार। विपक्ष भी तो कर रही है, ये ढोंग है इनका। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे तो जाए ना सरकार के पास, वो तो चैलेंज देते हैं कि आइए हमारे पास, हम दिखा रहे हैं चमत्कार। तो चैलेंज देते हैं तो नागपुर से क्यों भाग गए? क्या समस्या वहाँ की रही होगी इतना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जो उनके विपक्ष में बोल रहे हैं वो उनके सामने जाकर उनसे जवाब मांगे। सोशल मीडिया से केवल जवाब मांगने से नहीं होगा, उनके सामने जाएं और धीरेन्द्र शास्त्री जी से जवाब मांगे कि नागपुर से आप क्यों भागे। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा बागेश्वर बाबा वाले जो संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है हमारे विचार से, जो भी है गलत अफवाह फैलाया जा रहा है उनके बारे में, क्योंकि वो एक क्या कहें सनातनी है, ठीक न। और ऐसी कोई बात नहीं है कि अफवाह फैलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार पांडे। अच्छा, ये पहले बताइए लगातार 5-6 दिनों से जो बाबा बागेश्वर वाले जो संत जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इन पे दो तरफ में लोग गुट में बट गए हैं। लोग एक तरफ के लोग बोल रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं और दूसरे तरफ सनातन धर्म के लोग बोल रहे हैं कि हम उनके लिए खड़े हैं। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सकारात्मक दृष्टि से जीने वाले और एक नकारात्मक दृष्टि से जीने वाले। तो सकारात्मक दृष्टि का व्यक्ति वो होता है जो कि समाज में किसी भी वर्ग में किसी भी लोग के साथ अगर कोई भी अच्छाई कार्य के लिए अगर वो कदम उठाते हैं तो उनका वो समर्थन करेंगे, उसका सकारात्मक सोच ही है। उसका एक पंथ मजहब और धर्म नहीं होता है, उसका विचार ही एक अलग होता है, इसलिए वो सकारात्मक व्यक्ति माने जाते हैं, उनकी सोच डेवलपमेंट होती है। और जहां तक रही कि न मानने की, तो दो कोड़ी के लोग अगर उस पर विषय तो बढ़ा कर बोले कि वो पाखंड है क्या है, भगवान थोड़ी नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री, भगवान नहीं है, लेकिन उनको कैसा अध्ययन है, मैंने दैविक शक्तियां उन्हें प्रदान है, तो उस परिवेश में जिए हैं रहे हैं और उनकी जो कार्यशैली है, और ऐसा तो नहीं है कि वो मैंने उस नाम पर किसी से धन अर्जित करते हैं पाखंड करके आपको कहते हैं कि नहीं मानिए ना। तो संत को तो भड़काऊ भाषण भी नहीं देना चाहिए ना, संत को भड़काऊ भाषण नहीं, तो भड़काऊ भाषण का वो तो प्रवचन देते हैं। और एक बात के लिए मैं अब कहना चाहूंगा कि अपने लिए मैं अपनी बचाव अपने धर्म के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, दूसरे का धर्म का खंडित नहीं करेंगे। मैं अपने लिए प्रचार किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने समाज के लिए किया, तो इसमें कोई गलती नहीं है। वो अपने धर्म के प्रचार के लिए खड़े हैं और हम भी इसके लिए खड़े हैं। हाँ, दूसरे का धर्म का हम कभी खंडन के लिए सोचेंगे नहीं, दूसरे के कभी हम शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अपने के करने के लिए तो स्वतंत्र हैं और इसी काम को लिए किए हैं। और इसके लिए जितने भी सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब लोग उनके साथ हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। नहीं, उन पे तो आरोप है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, जादू टोना, ये सब झूठो साचो और बोल करते रहते हैं। तो उन्होंने चुनौती दिया और एक मीडिया कर्मी को तो उन्होंने ऐसा प्रतीत तो दिखाया है अपने दिव्य दरबार से। और हम कहते हैं कि पाखंड करते हैं तो उनके उनको कौन बुलाता है कि भाई आओ हमारे यहाँ, तुम हमारे जबरदस्ती आकर हमारे दिव्य दरबार में हो, उसको मानो। इसके लिए तो जबरदस्ती किसी से नहीं किया है, जिसको अच्छा लगा जिसको मानना था वो गए और वो जाना भी चाहिए।
क्या लगता है जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया है कि घर वापसी कराएंगे, घर वापसी का मतलब समझ रहे हैं ना क्या बोले हैं वो? या मेरा कहने का मतलब ये है कि बागेश्वर धाम बाबा का जो उल्लंघन कर रहे हैं लोग, छलिया लोग उलाट रहे हैं, ये सब गलत चीज है। जो भी कहते हैं वो सच्चाई कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। गलत है, भगवान थोड़े नहीं है, बोल रहे हैं कि मेरे पास दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति है उनके पास, उनकी बालाजी सरकार की हाथ है, उनपे बजरंग बली की हाथ है, दिव्य शक्ति तो है उनपे। ये कोई कहता है कि दिव्य शक्ति है, इसीलिए तो उनको नागपुर में बुलाया जा रहा था। आखिर भाग वो भागने वाला नहीं है, आप जो बोल रहे हो भागने वाला नहीं है। जब पे दिव्य शक्ति जिस पे है वो भागने वाला है, आप जानते हैं क्यों भागते हैं? नहीं भागेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज तिवारी है। लगातार कुछ दिनों से विवाद चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, बाबा बागेश्वर वाले जो संत है धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहें पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है कि वो क्या हैं, कैसे हैं। दो पक्ष में लोग हैं, एक पक्ष उनका विरोध कर रहे हैं लोग, और दूसरी पक्ष जो बोल रहे हैं कि हम हिंदू सनातन धर्म के लिए खड़े हैं। आप ये बताइए, जो विरोध कर रहे हो यही ना बोला कि अंधविश्वास फैला रहे हैं? बिल्कुल अंधविश्वास फैला। आप हमसे ज्यादा घूमे हैं, पढ़े लिखे भी होंगे, विश्वास कहाँ है जरा हमें ये बताई जाए, विश्वास कहाँ है? अंधविश्वास क्या, ये तो है नहीं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है। जिसे देखिए धर्म परिवर्तन होता है तो प्रेशर होता है, प्रलोभन आपको दी जाती है कि आप ये धर्म परिवर्तन कीजिएगा, आपको ये सारी सुविधाएं है तमाम होता है ना। ये तो आपको प्रलोभन तो दे नहीं रहे हैं, आप अपने इच्छा सुन के यहाँ जाते हैं, अपनी जो दुख है या जो भी चीज है, या लोग दर्शन करने के लिए भी जाती है, इच्छा तो है नहीं कि मतलब आपके जबरदस्ती। एक संत को भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए मंच से ना? देखिए संत जो होता है समाज के कल्याण के लिए होता है, किसी जाति के लिए संत नहीं होता है। लेकिन ये भी सत्य है जो संत है भाई अपने धर्म का प्रचार तो करेगा, अब आपको भड़काऊ लगे या बिगाड़ू भाषण लगे। लगातार कुछ दिनों से विवाद चल रहे हैं बागेश्वर वाले संत के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग उनको विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए विरोध करने वाला तो करते रहेंगे, जो जिसका विचारधारा है वो तो अपना मन में करेंगे, उनका जो कहना है उनका भी सही है। जो ग्रंथ पर जो बात चल रहा है इसको जो ग्रंथ पे रहा है तो उसको उस विचारधारा को मन में करेगा, जो ग्रंथ को नहीं मानता है तो नहीं मानेगा, बात यही है। सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घर वापसी कराएंगे कुछ लोगों को। नहीं, घर वापसी कराने की तो उनके बस की बात थोड़े है कि घर वापसी करा पाएंगे, लेकिन जो है अपना उनकी सिस्टम है, अब ग्रंथ को मानते हैं तो अपना मन में करेंगे। जिसको जिस नास्तिक में है, बहुत से लोग कहते हैं कि अब ग्रंथ को नहीं मानता है, अपनी विचारधारा को लेकर चलता है, बहुत से देवता देवी को नहीं मानते हैं, उस लोग है कि वो अपने विचारधारा पर ही चलेगा, किसी के कहने से कोई नहीं जा सकता है, ना कोई देवी देवता का पूजा कर सकता है। जो जिसको देवी देवता का पूजा करना हो तो छोड़ेगा नहीं, वो अपना पूजा पाठ करते ही रहेगा। आप समर्थन में है उनके? किनके? बाबा बागेश्वर वाले धाम। देखिए समर्थन में सबका अलग अलग विचारधारा है, हम ना उनका समर्थन में ना इन विरोध करने वाले के समर्थन में, जो उचित है उस पर हम लोग फोकस कर। जैसे कि अभी आपने सुना लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है, लोग कह रहे हैं कि जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, मैं उसी के साथ में हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग थे, कुछ लोग बता रहे थे कि बाबा बागेश्वर धाम वाले जो संत है धीरेन्द्र शास्त्री, उनके हित के लिए मैं खड़ा हूँ, और जो हिंदू और सनातन का बात करेगा मैं उसके साथ ही खड़ा रहूंगा। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।